दोस्तों, चाहे आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो या प्राइवेट स्कूल में, चाहे आपकी कोई सी भी क्लास हो, पूरे देश भर के सभी स्टूडेंट्स, सभी पेरेंट्स के लिए काफ़ी कमाल की गुड न्यूज है। पूरे देश में अब वन नेशन वन एजुकेशन वन सिलेबस लागू होने वाला है और इसके लिए कोर्ट में केस भी फाइल कर दी है, इसकी सुनवाई भी हो चुकी है। अभी मैं आपको वकील साहब की स्पीच सुनाऊंगा, पूरी डिटेल आपको बताएंगे। जल्दी इसका रिजल्ट परिणाम भी आएगा, जो कि सभी पेरेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सुखदायी होने वाला है। बट क्या है ये वन नेशन वन एजुकेशन वन सिलेबस, इससे आप हम सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कैसे मिलेगा फ़ायदा? लेकिन कुछ लोगों को इससे बहुत तगड़ा करंट, 440 वोल्ट का करंट भी लगने वाला है। तो चलिए भाई, पूरी डिटेल पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। कमेंट करने से पहले भाई पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, और यस, इसी तरह से आपको सारी एजुकेशनल अपडेट लगातार मिलती रहेगी। तो यार, नीचे लाल बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लो, ताकि इन फ्यूचर आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी, और पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर करना। सबसे पहले हम बात करेंगे ये वन नेशन वन एजुकेशन वन सिलेबस है क्या। अभी तक क्या हो रहा था, बहुत सारे सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, हर स्टेट का अलग अलग सिस्टम हो रहा था। कोई बहुत महंगा स्कूल है, कोई मीडियम स्कूल है, कोई सरकारी स्कूल है। कहीं बच्चे CBSE बोर्ड का पेपर देते हैं, कहीं बच्चे ICS का बोर्ड पेपर दे रहे हैं, कहीं यो बच्चे UP बोर्ड का पेपर दे रहे हैं। तो हर स्टेट ने अपना अलग बोर्ड भी बना रखा। इससे नुकसान क्या हो रहा था, CBSE बोर्ड अपना अलग सिलेबस चला रहा है, ICSE बोर्ड अपना अलग चला रहा है, UP बोर्ड का अलग ही पैटर्न है, और भाई राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे झारखंड हो, हर स्टेट ने अपने अपने बोर्ड की अपनी अपनी दुकानें चला रखी है। अब भैया, सरकारी स्कूल में तो आपने देखा होगा ज़्यादातर NCERT चलती है, प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है, अपना अपना बोर्ड है, अपने अपने अकॉर्डिंग किताबें हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग सिलेबस है, और भैया जैसे मर्जी पेरेंट्स को लूटो, स्टूडेंट्स को लूटो, जितनी महंगी किताबें उससे छापनी है वो बिक जाएगी, क्योंकि स्कूल ने कहा कि भाई हमारे स्कूल से ही किताबें आपको लेनी पड़ेगी। सरकारी स्कूल में भी कहीं ISC बोर्ड चल रहा है, अलग अलग बोर्ड चल रहा है, ओवरऑल बच्चा कन्फ्यूज है। मान लीजिए आपके घर में 2 या 3 बच्चे हैं, या आपके चाचा मामा फूफा के भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लो एक ही क्लास में भी पढ़ रहे हो, बट वो एक जगह बैठ कर के एक जैसी पढ़ाई नहीं कर सकते। मान लीजिए छुट्टियों में आप सारे एक साथ आए हो, सारे 10th में पढ़ रहे हो, एक पढ़ रहा है CBSE में, दूसरा पढ़ रहा है ISC में, तीसरा UP बोर्ड से, चौथा अलग बोर्ड से, सब एक जगह मिलने के बाद भी एक जैसी पढ़ाई नहीं कर पा रहे। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की अगर सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो भाई अगर पेपर आ गया CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो चाहे बाकी बोर्ड कितना अच्छा पढ़ रहे हो, भाई सिलेक्शन CBSE का हो जाएगा। अगर पेपर आ गया UP बोर्ड के अकॉर्डिंग, कौन सा पेपर, मैं सेंटर पेपर की बात कर रहा हूँ, जैसे कॉलेज में जो भी पेपर होता है ना, वो कॉलेज में एडमिशन के लिए सेम इक्वल पेपर है। अगर आप UPSC फाइट करना चाह रहे हो, तो UPSC का भी एक ही सिंगल, मतलब एक जैसा पेपर आता है, चाहे आप JEE करो, नीट करो, मेडिकल हो, डॉक्टरी फील्ड में हो, सब जगह एक ही पेपर आता कॉमन। बट अगर वो पेपर CBSE के अकॉर्डिंग आ गया, तो CBSE वाला बाजी मार जाएगा, बाकी बच्चों को उनके घर वाले ताने मारते रहेंगे, जबकि बच्चों की गलती नहीं है, यहाँ पे बोर्ड की गलती है। भाई 10वीं 12वीं में हमें कुछ और पढ़ाया गया, लेकिन जब पेपर हमने देखा तो कुछ और ही आया था, तो भाई कैसे फाइट कर पाएंगे हम? ऐसे में क्या हो रहा था, बच्चों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा था, बहुत बड़ा स्कैम हो रहा था, उन्हें क्या परोसा जा रहा है और उन्हें खाना क्या है, ये डिफरेंट हो रहा था। अब वन नेशन वन एजुकेशन वन सिलेबस में क्या होगा, चाहे वो मंत्री संतरी का बेटा हो, चाहे वो एक मज़दूर का बेटा हो, चाहे आम नॉर्मल, सब लोग एक ही जैसा सिलेबस पढ़ेंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट में हो, किसी भी स्कूल में हो, इक्वल आपका सिलेबस चलेगा। दूसरा, एक ही जैसा वन नेशन, यानी कि पूरे देश भर का एक ही सिस्टम चलेगा, एक ही बोर्ड होगा, भैया वो इंडिया बोर्ड होगा, है ना,
तो इंडिया बोर्ड चलेगा आपका, ना कोई ये CBSE होगा, ना UPI होगा, ना कोई, एक ही बोर्ड चलेगा जो वो सरकारी प्राइवेट सब में एक जैसे होगा। जो किताबें बहुत महंगी महंगी मिल रही है ना, उन किताबों की दुकानें बंद हो जाएंगी। जो लोगों ने बाहर कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं, भैया नीट की तैयारी करवाएं, JEE की तैयारी करवाएं, फलाने कंपटीशन की तैयारी करवाएं, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। क्योंकि जब एक जैसा पेपर आ रहा है तो सबका इक्वल पढ़ाई हो रही है, इक्वल पढ़ाई हो रही है तो एक जैसा पेपर इक्वल पढ़ने वाला बच्चा तो फाइट कर जाएगा ना। अब यहाँ पर बच्चों के मजे आ जाएंगे, क्योंकि भैया एक जैसा, मान लीजिए गर्मियों की 2 महीने की 1 महीने की छुट्टियाँ पड़ी है, सारे बच्चे अपने मामा फूफा एक जगह तैयारी कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि सारे क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि एक जैसा बोर्ड है, पेपर भी एक जैसा ही आएगा, तो बहुत अच्छा है। एक बार हम वकील साहब को सुन लेते हैं, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। और अगर आपको भाई समझ में आए, पसंद आए, तो यार प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप, अगर ये लागू हो जाता है तो इसके लिए आप कितना हैप्पी होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करेंगे तो ये लागू भी हो जाएगा, है ना। तो चलिए एक बार हम वकील साहब को सुन लेते हैं, वो आपको पूरी डिटेल से क्लियर कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम लागू करने की मांग वाली PIL पे कोर्ट में सुनवाई हुई है। हमने ये मांग किया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदल के राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाया जाए, और पूरे देश में सिलेबस कॉमन किया जाए। बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, तमिलनाडु वाला अपने तमिल में पढ़े, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक समान होना चाहिए। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, जूलॉजी का, बॉटनी का, इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का, ये सारे सिलेबस कॉमन होने चाहिए पूरे देश में। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि सारे के सारे कम्पिटिटिव जो एग्जाम हो रहे हैं उनका पेपर एक हो रहा है। इंजीनियरिंग का एक ही एग्जाम होता है पूरे देश के लिए, मेडिकल का एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है पूरे देश के लिए, NDA का एक ही एग्जाम होता है पूरे देश के लिए, इसी तरीके से IAS का जो पेपर होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, PCS का पेपर सबके लिए कॉमन होता है, बैंक का पेपर सबके लिए कॉमन होता है, रेलवे का पेपर सबके लिए कॉमन होता है, और अब तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कॉमन जो CUET हो रहा है वो भी सबके लिए एक पेपर कॉमन है। अब जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर एक है तो फिर अलग अलग सिलेबस क्यों पढ़ाया जा रहा है? CBSE कुछ अलग पढ़ा रहा है, ICSE कुछ अलग पढ़ा रहा है, UP बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बंगाल बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, और सारी पढ़ाई करने के बाद जब बच्चा जाएगा एग्जाम देने उसके लिए सबके लिए एक पेपर होगा। अगर पेपर CBSE के पैटर्न पे सेट होता है तो बाकी स्टेट बोर्ड वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अगर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर है, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, NDA का, बैंक का, रेलवे का, अगर वो ICSE बोर्ड के पैटर्न पे होता है तो CBSE बोर्ड वालों को और बाकी स्टेट बोर्ड वालों को फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, इसलिए हमने कोर्ट से ये कहा है कि आप केंद्र सरकार को निर्देश दीजिए, NCERT को कहिए एक कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम तैयार करे। आज की डेट में जो नवोदय स्कूल है वो पूरे देश में उसका सिलेबस कॉमन है, जो आपका केंद्रीय विद्यालय है उसका सिलेबस भी कॉमन है। और अगर आप बाहर देखिए, अमेरिका में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, चाइना में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, फ्रांस में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, जापान में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, सिंगापुर में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, रसिया में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, दुनिया के कई देशों में यूनिफॉर्म एजुकेशन होता है, यानी सिलेबस करिकुलम सबका कॉमन होता है। हमारे देश में सिलेबस अलग अलग चल रहे हैं, करिकुलम अलग अलग चल रहे हैं, इसके कारण बच्चा कितना भी अच्छा हो पढ़ने में, बिना कोचिंग के वो इंजीनियरिंग क्वालिफाई नहीं कर पाता। क्योंकि वो यूपी बोर्ड का बच्चा कितना भी अच्छा हो एक्सपर्ट पढ़ने में, लेकिन पेपर जो सेट हुआ वो तो CBSE के पैटर्न पे हुआ, तो फिर वो क्वालिफाई नहीं कर पाता, अल्टीमेटली उसको कोचिंग करना पड़ता है। और मैंने ये भी कोर्ट को कहा है कि ये कोचिंग माफियाओं के दबाव में ही वन नेशन वन एजुकेशन लागू नहीं हो रहा है। कोचिंग माफिया इतने पावरफुल है, इनका लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का कोचिंग का बिजनेस है हर साल का। अगर वन नेशन वन सिलेबस हो जाएगा, कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम हो जाएगा, और जो पढ़ाया जाएगा यही पूछा जाएगा, तो लोग कोचिंग नहीं करेंगे, जो मेहनती बच्चे होंगे वो अपनी पढ़ाई करेंगे और उसके बाद एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन ये कोचिंग माफियाओं ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि पहली बात तो वन नेशन वन सिलेबस नहीं होने दे रहे, वन नेशन वन एजुकेशन नहीं होने दे रहे, और दूसरा
जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं जाता, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता। इसका मेन ये कारण है कि कोचिंग माफियाओं ने पूरे हमारे एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है। और दूसरी बात ये भी है, जो बुक माफिया है, पब्लिशर है, ये नहीं चाहते कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम हो, क्योंकि अगर कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम हो जाएगा और सिलेबस कांस्टेंट रहेगा, 2 साल 3 साल 4 साल तक वही रहेगा, तो फिर जो पब्लिशर है इनकी किताब कोई नहीं खरीदेगा, लोग एनसीईआरटी किताब खरीद लेंगे। जो एनसीईआरटी छापेगा अगर वही लोग किताब में स्कूल में चलाएंगे, तो एनसीईआरटी किताब 100 रुपए की मिलती है, प्राइवेट पब्लिशर उसको 500-1000 रुपए की बेचते हैं। तो बुक माफिया नहीं चाहते कि कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम हो, एनसीईआरटी किताब हर जगह लागू हो। कोचिंग माफिया नहीं चाहते यूनिफॉर्म सिलेबस हो, यूनिफॉर्म करिकुलम हो, वन नेशन वन सिलेबस हो। और स्कूल माफिया नहीं चाहते कि वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो। सीबीएसई बोर्ड वाले चाहते हैं कि उनका सीबीएसई बोर्ड अलग से चलता रहे, जिससे उनकी दुकान चलती रहे। आईसीएसई बोर्ड वाले चाहते हैं कि उनकी दुकान अलग से चलती रहे। तो इसलिए ना सीबीएसई बोर्ड वाले चाहते हैं वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, ना आईसीएसई बोर्ड वाले चाहते हैं। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि आम जनता, आम बच्चा पिस रहा है इस पूरे माफिया राज में। इसलिए मैं कोर्ट से निवेदन किया है, कोर्ट ने केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय को और कानून मंत्रालय को 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड को बोला है 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करिए। दिल्ली सरकार को भी बोला है कि आप भी अपना स्टैंड क्लियर करिए, आप क्या चाहते हैं, आप वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम चाहते हैं या नहीं चाहते, आप वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड चाहते नहीं चाहते। और 4 हफ्ते के बाद जवाब आ जाएगा, फिर 11 दिसंबर को इसकी अगली सुनवाई होगी। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, इस वीडियो को जन जन पहुंचाइए, इस वीडियो को घर घर पहुंचाइए। कॉमन सिलेबस होगा, कॉमन करिकुलम होगा, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यूनिफॉर्म एजुकेशन से सबसे बड़ा फायदा होगा, जातिवाद खत्म होगा, क्लासेस खत्म होगी, भाषावाद खत्म होगा, क्षेत्रवाद भी खत्म होगा, और जिहाद और मजहबी उन्माद भी खत्म होगा। यूनिफॉर्म सिलेबस होगा, मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होगी। यूनिफॉर्म सिलेबस का मतलब ये हुआ कि शिक्षक का बेटा और शिक्षा मंत्री का बेटा एक ही किताब पढ़ेगा। यूनिफॉर्म सिलेबस का मतलब क्लर्क का बेटा और कमिश्नर का बेटे की किताब एक होगी। यूनिफॉर्म सिलेबस का मतलब मजदूर के बेटे की किताब और मालिक के बेटे की किताब एक होगी। यूनिफॉर्म सिलेबस से वास्तव में भारत में समाजवाद आएगा। समान शिक्षा से ही भारत में शांति आएगी, समान शिक्षा से ही भारत में समृद्धि आएगी, समान शिक्षा से ही वास्तव में भारत में समरसता आएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, समान शिक्षा की मांग करिए। समान नागरिक संहिता से 100 गुना ज्यादा जरूरी है समान शिक्षा। ये जो देश में आप देख रहे हैं ना, आतंकवादियों के समर्थन में रैली निकलती है, जिहादियों के पक्ष में लोग खड़े हो जाते हैं, युद्ध हो रहा है इसराइल में और रैली निकल रही है आतंकवादियों के समर्थन में भारत में, ये क्यों? क्योंकि यहाँ मैकाले शिक्षा चल रहा है, मदरसा शिक्षा चल रहा है और मिशनरी शिक्षा चल रहा है। ये मैकाले शिक्षा खत्म होनी चाहिए, मिशनरी शिक्षा खत्म होनी चाहिए, मदरसा शिक्षा खत्म होनी चाहिए, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड खत्म होना चाहिए, केवल एक देश एक शिक्षा बोर्ड यानी भारतीय शिक्षा बोर्ड होना चाहिए और वन नेशन वन सिलेबस यानी पूरे देश का सिलेबस एक समान होना चाहिए। उसी से भारत में शांति होगी और समृद्धि होगी।